Whosoever are there in frustration, I have no doubt given them helping hand on account of what may call it a different kind of issues which they are facing right from the word go. आज मैं जो डिस्कशन करना चाहूँगा, मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी वाइफ की एज जो है वो तकरीबन जो है वो उसको 45 होने में तकरीबन 8 दिन बाकी रह गए थे और उनकी वाइफ को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया. तो देखें जस्ट लाइक दैट व्हाट हैपेंड, यू नो इट्स अ गुड न्यूज़ और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और बहुत खुश दिखाई दिए. अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मज़ीद आने वाली ज़िंदगियों में खुशहाली कामयाबी आपको अता फरमाएं. तो देखें इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, इन्होंने मुझे कॉमेंट किया और मैंने वो कॉमेंट पढ़ा, उस पर मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि इनके कमेंट की वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को मोटिवेट करूं. और ये भी देखें कितनी अच्छी बात है कि ये भी मोटिवेशन के लिए जो है इतना बड़ा उन्होंने जो है मुझे एक मैसेज किया जिसमें मैंने ये वीडियो बनाई और मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने पे कि वाकई में हर इंसान चाहता है कि दूसरे को उम्मीद दिलाए क्योंकि ये नेकी काम है, ये नेकी का काम है कि हमें एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के साथ यू नो मोटिवेशनल एक जज्बा जो होता है ना वो हमारे अंदर होना चाहिए, हमें मोटिवेट करना चाहिए एक दूसरे को. तो देखें कितना ज़बरदस्त इनका मामला है. देखें कि 45 एज होने में उनके 8 दिन रह गए थे और अल्लाह के फजलो करम से उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला. तो देखें हम लोग एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं तो कितना अच्छा होता है और अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोलता है. तो जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वक्त परेशान हैं और डिमोरलाइज हैं और ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा पिनलाइज दिखाई देते हैं तो प्लीज़ नॉट टू बी पिनलाइज्ड और उम्मीद कीजिए कि अच्छा होगा बिकॉज होप सस्टेंस लाइफ, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए. पॉजिटिव सोचने के लिए हमें अपने वी विल हैव टू मेक द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, हमें अपने जहन को जो है बहुत पॉजिटिव खुद करना होगा क्योंकि विदाउट इट इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. तो लिहाजा देखें PST और JEST के अपॉइंटमेंट लेटर लोगों को मिल रहे हैं, लोग खुश भी हैं जिनको मिलते जा रहे हैं. यकीनन उनकी खुशियां इस बात की दलील देती हैं कि वो कितने खुश हैं और यकीनन उनको खुश होना भी चाहिए. तो लिहाजा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मायूस हैं उनको मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करेगा. और जो भी कैंडिडेट्स इस वक्त यकीनन देखें ना, माजी की अगर बात करूं तो ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी किसी को कि 40% पॉलिसी जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि 40% पे लोगों को जो है वो चांसेस दिए जाएंगे. तो एक अल्लाह ताला ने रास्ता खोला, आज 40% वाले भी उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करेगा और यकीनन कर भी रहा है. बहुत सी जगहों पर आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों के अपॉइंटमेंट हो भी रहे हैं. तो लिहाजा आप जो है वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी ये ना समझें कि अल्लाह की मदद आप लोगों के साथ है. मैं समझता हूँ हर तरह से, हर लिहाज से अल्लाह ताला आप सब के साथ है. तो लिहाजा मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको मोटिवेट किया जाए और आप लोगों को मोटिवेट करें. एक दूसरे को जब हम मोटिवेट करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी होता है. तो लिहाजा ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें एक दूसरे के लिए करनी चाहिए. ये मिसाल है आपके सामने कि किसी की एज में जो है वो 45 एज होने वाली है और 8 दिन रह गए हैं और उसका अपॉइंटमेंट हो जाए. और ये तो ये नहीं, एक कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है ना, तो ये नेकियों का सिला है. ऐसे लोग जो होते हैं बहुत सी नेकियां करते हैं जिनको अल्लाह ताला इस तरह से सिला देता है. तो क्या नेकी किसी की पसंद आई होगी अल्लाह को, तो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया. तो इसी तरह आप लोग भी दूसरों के लिए नेकियां करें, अच्छे काम करें,
तो अल्लाह ताला आपके लिए भी रास्ते खोलेगा, क्योंकि रास्ते बनाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। और हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए। और नौकरी होती है नहीं होती है, ये सब अल्लाह ताला के मामलात हैं, इसमें मायूस नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने भेजा है, एक मखसूस पीरियड है, उसमें हमें जो है वो उस साइकिल में हमें जो है वो सफ़र करना है, और वो सफ़र पूरा करना है। तो किसी का किस तरह से पूरा होना है, किसी का किस तरह से पूरा होना है, तो लिहाजा ये ना समझें कि आप अकेले हैं, तन्हा हैं, और ये ना समझें कि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखें, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होती लोगों की, लेकिन दूसरी जॉब्स होती हैं और दूसरे रास्ते अल्लाह ऐसे खोलता है कि वो गवर्नमेंट से भी आगे चले जाते हैं। तो कौन कहता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों को और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है? कभी कभार जो है वो ऐसा होता है कि आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी कि कुछ भी नहीं था उसकी जेब में और फिर एकदम से वो बहुत बड़ा सनतकार बन गया, कुछ भी नहीं था उसके पास और फिर वो एकदम से बहुत बड़ा फैक्ट्रियों का मालिक बन गया और बहुत बड़ी बड़ी उसकी ज़मीनें हो गईं, उसकी जायदादें हो गईं। तो अल्लाह ताला की देन है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप एफर्ट करते रहें, कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतर से बेहतर रास्ते निकालने हैं। उम्मीद अच्छी रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो मोटिवेशन से मुराद यही था मेरा कि देखें, अल्लाह ताला जब चाहता है, जैसे चाहता है वो कर देता है, उसके इख्तियार में है। मेरा मतलब है अथॉरिटी है उसके पास, तमाम मामलात को चलाना है दुनिया के, अल्लाह चला रहा है। हम इंसान जो हैं वो सिर्फ, कहने का मकसद ये है कि हम कमज़ोर हैं, हम ज़ईफ़ हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, वी हैव नो अथॉरिटी। तो इस बात को समझने की कोशिश करें, जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपके 100% मसाइल भी हल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह से होता है और किसी चीज़ से नहीं। कोई यानी कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह कर सकता है, सब मामला अल्लाह ने करने। तो लिहाजा दूसरों को भी, जो भी आपके सर्कल में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो इस वक्त PST और JEST के हवाले से बहुत मायूस हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि भाई मायूस मत हो, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। किसने कहा था, मैंने अभी अभी आपको बताया कि 40% पॉलिसी तो होनी नहीं थी, लोग ये कहते कैसे हो जाएगी, वही होगी नहीं, बड़ी नामुमकिन है, गवर्नमेंट ने देखें कर दी। और मैंने अपनी वीडियोस में राइट फ्रॉम द वर्ड को यही बोला था कि ये 40% पॉलिसी जो है वो होगी। तो ये मेरी आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन थी, मैं आपको इनक्रेज करता रहा था जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की, मुझे पता था कि किस तरफ जो है वो मामला जाके बैठेंगे और उसी तरफ बैठे। 40% पॉलिसी गवर्नमेंट ने की और वो हुई, और ये बात मैं फ्रॉम द बिगनिंग कह रहा था आपसे। तो ये सब चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि यकीनन आप जब अल्लाह के बहुत ज़्यादा आप अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह की तरफ जाएं, अल्लाह से मांगें, तो इंसान का जहन बनता चला जाता है कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, एक यकीन हो जाता है उसको। तो आप भी देखें, अल्लाह की बारगाह में जाएं, उससे जो है वो दरिया उससे रिक्वेस्ट करें अल्लाह ताला से, वो यकीनन आपके लिए रास्ते खोलने वाला है, वो आसानी करने वाला है। तो लिहाजा यही मेरी वो मोटिवेशन शुरू से आप सबके लिए है, और आपको भी दूसरों के लिए मोटिवेशन का जज्बा जो है ना, वो मोटिवेशन का जो जज्बा होता है उसको जारी रखना चाहिए। तो लिहाजा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि मेरी कोई बात ऐसी हो जो किसी को अच्छी लग जाए और वो उस बात को दूसरे तक पहुँचा दे। तो लिहाजा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।